इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे। बच्चों आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्ण पल्ली जी का बर्थडे, टीचर्स डे। एक ऐसा टीचर जिसने दुनिया भर को बताया कि टीचर एक ऐसी गाड़ी के पहिए के समान है जो आपको लेके जाता है एक सिविलाइज सोसाइटी की तरफ, जो आपको लेके जाता है प्रकाश की तरफ, जो लेके जाता है प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस की तरफ, जो आपको दिलवाता है अपॉर्चुनिटीज़। तो आइए आज हम भी सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे आज डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे। तो मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका मेहता। तो आइए करते हैं ढेर सारी बातें अच्छी अच्छी खूबसूरत और बहुत ही प्यारे दिल वाले टीचर्स के बारे में। Hi my dear children, I am so happy that Mr. Aditya is with us today in Dips Broadcasting. अच्छा आदित्य, tell me, do you watch the program? Do you like the program? Yes ma'am. Okay, what you like about the program? Ma'am, that we learn new things. Okay, and the information? Yes ma'am. अच्छा आदित्य, मुझे ये बताओ कि जिंदगी में तुम किसके जैसा बनना चाहते हो? मैं एक अच्छे पर्सन की जैसा, आपकी फेवरेट टीचर में आप कैसी क्वालिटीज चाहते हो और आपकी फेवरेट टीचर कौन है? मैम टीचर तो सारे अच्छे होते हैं, पर मैम फेवरेट टीचर वो होती है जो आपको समझे। ओह वाह, देखो इतनी छोटे बच्चे ने कितनी प्यारी बात कही है। अच्छा कौन से टीचर हैं जो आपकी बात समझते हैं? ओके, आपको अच्छे लगते हैं वो, अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, इस वाले मोनिका मैम को क्या कहना चाहूँगा? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आपकी सारी वीडियोस मैं देखता हूँ, वीडियो शॉर्ट्स। चलो फिर एक गप्पी हो जाए जादू की। गॉड ब्लेस यू बेटे, हमेशा खुश रहो और मैं तुम्हें ढेर सारी बेस्ट विशेज देना चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में बहुत अच्छे इंसान बनो। गॉड ब्लेस, थैंक यू। तो ये था हमारा प्यारा सा बेबी जिसने कि आज टीचर्स डे पे बताया कि टीचर वो है जो आपको समझे, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा होगा तारे जमी पर, एक टीचर जिसने कि पैदा नहीं किया उस बच्चे को, मगर उसकी मानसिकता, उसकी साइकोलॉजी समझता है कि इस बच्चे को बाकी बच्चों की तरह नहीं, एक स्पेशल बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, इसको धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा, धीरे धीरे बताना पड़ेगा, तभी ये मेन स्ट्रीम में आ पाएगा। ऐसे टीचर्स की आज समाज को बहुत ज़रूरत है। ऐसे टीचर हैं दोस्तों दुनिया में जिन्होंने मिसाल कायम की है, कीनिया के टीचर जो कि अपनी सैलरी का मैक्सिमम पार्ट बच्चों की एजुकेशन पे, उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने में खर्च करते हैं, उनको पूरी दुनिया की तरफ से एक्नॉलेजमेंट्स मिली हैं, पूरी दुनिया की तरफ से शाबाशी और अप्रिसिएशन मिली है। इससे बढ़कर एक टीचर को और क्या चाहिए? आप सुपर 30 वाले आनंद कुमार जी को तो जानते ही हो, IITians पैदा करना उनका शौक है। वो कहते हैं जो बच्चे किसी न किसी वजह से लेस फॉर्चुनेट हैं उनको मैं हिम्मत दूंगा, उनको मैं सितारे देखने को, सितारे छूने को एक आगाज दूंगा, मैं उनको इंस्पायर करूंगा। बस आप में एक धधकता सा शोला होना चाहिए हिम्मत का और डेडिकेशन का और कुछ कर गुजरने का। मैं आदित्य की बात करती हूं जो कि हीरो है, बिना हुड वाला साइंस ग्रेजुएट है, और वो बच्चा साइकिल पे रोज 60 किलोमीटर जाता है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जिनके पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेज सकते हैं। मैं बात करती हूँ राजेश कुमार की जो कि फ्लाईओवर के नीचे स्कूल चलाते हैं, और उनका मेन मकसद यही है कि सब बच्चों के पास एजुकेशन पहुँचनी चाहिए। मैं 16 साल के बाबर अली की बात करना चाहती हूँ जो खुद बहुत गरीबी में है, उसने प्लस टू पास की है, मगर वो प्रिंसिपल है एक ऐसे स्कूल का जहाँ पर लेस फॉर्चुनेट बच्चों को पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो बच्चा खुद भी पढ़ रहा है और उन बच्चों के लिए भी कर रहा है। सलाम ऐसे बच्चों को, ऐसे जज्बों को, ऐसे टीचर्स को। अगर ऐसे टीचर दुनिया में होंगे तो कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। एक किसान को बोला गया कि आप हर बार बेस्ट किसान का अवार्ड ले जाते हो, आपकी फसल इतनी अच्छी होती है, इसका राज क्या है? तो कहते हैं इसका राज बड़ा सिंपल है, मैं अपने आसपास के खेतों वालों को भी
देता हूँ बढ़िया बीज। वो कहता वो क्यों, आप क्यों चाहते हो कि आपके जो पड़ोसी हैं उनकी भी फसल अच्छी हो। कहते हम तरक्की तभी कर पाएंगे जब बाकी लोग तरक्की करेंगे। कहते अब अगर वो अच्छी फसल नहीं उगाएंगे तो उनके कीड़े मकौड़े मेरी फसलों पे आकर अटैक करेंगे। अब उनकी भी फसल अच्छी होती है, उड़कर अच्छे बीज मेरे खेतों में आते रहते हैं, मेरी फसल भी दुगनी तिगनी हो जाती है। कहने का मतलब ये कि खुद की तरक्की तो यकीनन हम करते ही हैं, मगर आसपास की तरक्की भी अगर हम करें तो मिलकर तरक्की करने से हम भी खुशहाल होंगे और हमारा देश भी खुशहाल होगा। यही सोचते हैं टीचर्स, यही मेंटेलिटी होती है टीचर्स की। आपको पता है रजनीकांत, जिनको कि थलाइवा कहा जाता है, जिनको किंग कहा जाता है मूवीज का, उन्होंने एक पिक्चर देखी बहुत वायरल हुई उनकी टीचर की, जो उनको बचपन में पढ़ाती थी, और अब वो इतनी गरीब हालत में है। तो उसने क्या किया जानते हैं, अपनी टीचर को घर लेके दिया, उनको पैसे दिए, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया कि अब आपको किसी से मांगने की और तरस वाली लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चे जो आपके टीचर्स बुजुर्ग हो चुके हैं या जिनकी उम्र बढ़ रही है, अगर आप कभी कभी उनको फ़ोन करो, आपको वो रास्ते में मिल जाए, आप उनको पैरी पौना करो, ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो सकती है? हो ही नहीं सकती। माय डियर चिल्ड्रन, जब आप में से छोटे छोटे बच्चे आकर मुझे कहते ना हाय मोनिका मैम, और कोई सीनियर बच्चा कहेगा हेलो गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ या देखती हूँ, मैम हम बहुत इंस्पायर होते हैं, मैम ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी, मुझे इतनी खुशी होती है ना उस दिन, तो मेरा मन करता है कि बस मैं आराम से चॉकलेट्स खाऊं और खूब घूमूं, क्योंकि मेरा दिन बन जाता है ऐसी चीज़ों के साथ। आपको पता है जब मैं नूरमहल टीचिंग करती थी तो छोटे छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स ने आके जब टीचर्स डे पे विश करना, मेरे को लगता था मेरी यही दुनिया है, मैं अपनी फैमिली भूल जाती थी उन चंद घंटों के लिए। अच्छा आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आज मेरे पास सुबह ये इनवेल्प पहुँचा, ये पहुँचा है करोल बाग से, तो मेरा नाम लिखा हुआ था, मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा ये भाई इसमें क्या है, तो फिर उसमें से निकला एक छोटा सा कार्ड, कार्ड में पीछे देखो कितनी अच्छी पेंटिंग की है, और कार्ड में लिखा है ये है गुरमेहर और मन सिरत की तरफ से, नर्सरी और सेकंड क्लास की बच्चियां हैं, इन्होंने लिखा है यू आर अमेजिंग मोनिका मैम, एज यू गिव अस वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन, आई लव यू, हैप्पी टीचर्स डे। अब इस गिफ्ट के आगे दुनिया की और कोई गिफ्ट मायने ही नहीं रखती है। उसके बाद मुझे उस इनवेल्प में से ये छोटी सी पैकेटी मिली, उस पर लिखा है मोनिका मैम, तो जब मैंने उसको बड़े क्रेज के साथ खोला तो उसमें मुझे दुनिया भर की दौलत मिल गई, मुझे मालामाल कर दिया आज इन बच्चों ने। देखिए मेरे पास उन्होंने क्या भेजा, वाहेगुरु जी ये उन्होंने मुझे भेजे हैं, ये ब्लेसिंग है। और हमारे घरों में क्या कहा जाता है, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ आपको गिफ्ट करता है ना, यू आर वेरी लकी। खुद तो हम खरीद सकते हैं, मगर जब आपको कोई गिफ्ट करती है ऐसी चीज़, तो वो बहुत मायने रखती है। अब एक सेकेंड और नर्सरी का बच्चा कितना बड़ा होता है, कितना मैच्योर होता है, मगर अगर ये बच्चे एक्नॉलेज कर रहे हैं तो मुझे लगता है आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। थैंक यू वेरी मच बच्चों इतने प्यार के लिए। और मुझे लगता है संतोष तुम्हें ये कट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी रो पड़ूंगी। थैंक यू सो मच फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट, थैंक यू। मेरे चिल्ड्रन आज डिप्स में भी खूब मजे किए जा रहे हैं। जो बच्चे हमारे पास पहुंचे हैं वो कोविड की पूरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आज टीचर्स बने हुए हैं, और टीचर्स जो अपनी फेवरेट हैं उनकी तरह बोल रही हैं, क्लास अटेंड कर रही हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा है। हमने एक बहुत प्यारी वीडियो बनाई है, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी मंडे की वीडियो में। तो चलिए आज बहुत सेलिब्रेशंस हो रही हैं, आप भी सेलिब्रेट कीजिए, और आज अपने टीचर्स को थैंक कहना बिल्कुल नहीं भूलना। टीचर्स को बोलिए थैंक यू मैम, उन्होंने कोविड टाइम में देखो अपना घर का भी सारा काम संभाला, अपने बच्चों को संभाला और आपका भी ध्यान रखा। टीचर को कभी बुखार है, कभी जुकाम है, कभी उसके घर में गेस्ट आए हैं, कभी उसका बच्चा बीमार है, मगर टीचर नहीं ना आपको बोलती, टीचर रोज क्लास में आती है और टीचर आपको बोलती हैं कि बेटा यू मस्ट अटेंड योर क्लास, बी इन यूनिफॉर्म, बी इन डिसिप्लिन, हमें सिलेबस कवर करना है, आप अपने रेस्ट की रिविजन करो, टीचर रोज आती है ना। तो टीचर से बढ़कर आपसे और कौन प्यार कर सकता है। तो आज का डे है अपनी टीचर को प्यार करने का, आज ही अपनी टीचर को फ़ोन कीजिए, आज ही अपनी टीचर को बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। गुरु गोबिंद दोई खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंदियों मिलाए। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करें हैं, एंड वंस अगेन जो आप लोग सुन रहे हैं, आप में से अगर कोई पेरेंट्स टीचर्स हैं तो आप सबको डिप्स इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। Thank you.
बैठ। सॉरी जगह जरा कम है। यहाँ कैसे? फैक्ट्री के काम से आया था। ईशान से मिले? नहीं अभी नहीं, मिलूंगा। पहले आपसे कुछ बात करनी थी। कही? मेरी वाइफ काफी दिनों से इंटरनेट सर्फिंग कर रही है। डिसलेक्सिया पे छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली है। आपको बताना था। क्यों? मुझे क्यों बताना था? नहीं, कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। ख्याल करना बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी। इसमें इलाज की शक्ति है। एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है। एक अच्छी प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ। क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना, ये दिलासा। ख्याल करना, ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी। मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सॉलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। सॉलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। Amphitheatre.